लेकिन आज ऐसा मौका मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसा अवसर मुझे मिला है, मेरे द्वारे पर तीनों देव आए हैं। तब माता अनुसुईया ने अपने पति देव का ध्यान किया, हाथ में जल लिया है, दरवाजा खोलते ही तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों देवताओं को जो छह छह फुट के बन के आए थे उनको छह छह महीने का बालक बना लिया। बोलो राधे राधे। आए थे माता अनुसुईया का पार्थिव धर्म नष्ट करने और उन्हीं के बच्चे बन करके पालने में झूलने लगी। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। कृपा थी अलौकिक कृपा, अहेतु की कृपा। तीनों रानियां इधर परेशान, राम राम क्या करें, हमारे देवताओं को गए हुए बहुत दिन हो गए, पता नहीं कहां गए। नारद जी से मालूम पड़ा कि देवी हो, आपने भेज दिया था ना तीनों देवताओं को माता अनुसुईया के द्वारे, उन्होंने छह छह महीने का बालक बना लिया। जाके स्थिति देखी, घबरा गई, क्या करें। नारद जी ने बताया जब उनको पुत्र बना लिया है तो तुम उनकी बहुरानी बन के चली जाओ, तभी लेके आ सकती हो अपने प्रभुओं को वापस। लेकिन तीनों देवियां आई तो क्या देख रही हैं, अरे तीनों देवता छोटे छोटे बालक के रूप में, कोई माता अनुसुईया के पैर दबा रहा है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पानी भर के ला रहा है। माता से निवेदन किया, माँ हमें क्षमा कीजिए, हम आपके पार्थिव धर्म को समझ नहीं पाई, लेकिन हम भी अपने प्रभुओं के बगैर जीवित नहीं रह सकती, आप जानती हो हमारे भाव को। माँ का हृदय पगल गया, ठीक है ले जाइए, लेकिन आप इनको पहले जैसा बना दीजिए। माता अनुसुईया ने अपने पति का ही ध्यान किया, तीनों देवताओं के ऊपर छिड़का और उनको पहले जैसा बनाया। लेकिन आज माता अनुसुईया के अंदर भाव था, इसीलिए माता अनुसुईया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए वही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इनके घर में सोम दत्तात्रेय और दुर्वासा जी के रूप में इनके घर में पुत्र बन करके जन्म लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वही तीनों देवता इनके यहाँ तीन पुत्र बन करके आए। तब प्रसूति जी का चरित्र आया है, जो प्रजापति दक्ष के साथ ब्याही गई हैं, जिन दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ है, श्रद्धा मैत्री दया शांति पुष्टि सब धर्म की तेरे पत्नियां हैं। एक कन्याग्नि को दिए कन्या पुत्रों को, एक कन्या जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, जो भगवान शिव के साथ ब्याही गई थी, जो छोटी ही अवस्था में सती हो गई थी। मंदिर कि भवेशीलिवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवशल विद्वेषम करोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजाम सती। तीनों ऐसा वर्णन आता है, माँ सती जो थी ये बहुत छोटी अवस्था में सती हुई थी। सती चरित्र हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में आपको बताता हूं। एक बार दक्ष प्रजापति ने ब्रह्म सभा बुलाई थी बंधु, जिस ब्रह्म सभा में सब देवताओं ने, जब दक्ष प्रजापति सभा में आते हैं तो सब देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष का स्वागत किया, लेकिन ब्रह्मा जी बैठे रहे, ब्रह्मा जी को देख करके भोले बाबा भी बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? भोले बाबा के मन में विचार आया, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों देवता एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, जब ब्रह्मा जी खड़े नहीं हो रहे तो मैं भी नहीं खड़ा हो रहा। एक संत तो ऐसा भी कहते हैं, भोले बाबा तो भांग छान के चकाचक बैठे हुए थे मस्ती में, अपने राम मस्ती में, आग लगी बस्ती में, कोई फर्क नहीं, कोई आ रहा कोई जा रहा कोई पता नहीं, बैठे हुए थे। जानते हो दक्ष प्रजापति की नजर पहले कहाँ पड़ी, कौन मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ? दक्ष ने ये नहीं देखा कौन मेरे लिए खड़ा हुआ, बल्कि ये देखा कौन मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। ब्रह्मा मेरे पिता हैं और पिता का कोई अधिकार नहीं कि पुत्र का खड़े होकर के सम्मान करे, लेकिन ये शंकर तो मेरा जमाता है, मैंने अपनी कन्या इसको ब्याही है, लेकिन फिर भी इसने मेरा अपमान किया है, ये ठीक नहीं। भगवान सब शिव को अनेकों गालियां देने लगा, शिव के नाम की कोई आहुति नहीं देगा, ऐसे अपशब्द कहे, द्वेष रख लिया है। और उसी बैर को रखते हुए कनखल के अंतर्गत हरिद्वार के पास में ही बृहस्पति सब नाम का यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया था, जिसमें हम सब जानते हैं सब देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन माँ सती और भोलेनाथ को, भोले प्रभुनाथ को दर्शन निमंत्रण नहीं दिया, संदेशा नहीं भेजा,
लेकिन माँ सती को जब ये बात मालूम पड़ती है, माँ सती हट करती है, भोलेनाथ से, नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगी। पिता भवन उत्सव परम सो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सो। प्रजापतिस्ते सुश्रश्य सांप्रतम, वो मेरे पिता आपके ससुर प्रजापति हैं, कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। भोलेनाथ ने समझाया, देवी घर जैसा आनंद कहीं ना, हंसी खुशी से रहिए, अरे प्रेम पूर्वक भोजन पाके गुण गोविंद के गइए, घर जैसा आनंद नहीं मिलेगा, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं, मान जाइए आप मेरी बात को, आप मत जाओ। लेकिन कहते हैं ना, हट तो हट ठहरी, हट भी कई प्रकार की होती है ना, देवियों की हट ये सबसे विचित्र हट है। देवियां जिस बात के पीछे पड़ जाए उस काम को करा के मानती हैं। बाल हट भी होती है बच्चों की हट, ऐसी ही राजा की भी हट होती है, ये हट भी कई प्रकार की होती है। एक एक करके आज वर्णन आया मेरे प्यारे। माँ सती जब हट पड़ने लगी, भोलेनाथ ने भेज दिया और गई हैं जब अपने पिता के यज्ञ में, जाकर के देखा बहन तो मुंह से बात भी नहीं कर रही हैं, बल्कि उल्टी बुराई कर रही हैं। किसी देवता ने सम्मान नहीं किया, पिता ने बात तक नहीं की, बस प्रेम से उनकी माँ प्रसूति ही उनसे मिली है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अपना अपमान देखा माँ सती ने सहन कर लिया, प्रभु का अपमान देखने लगी। एक कोने में आसन पड़ा हुआ है, जिस आसन के पास लिखा हुआ है शिव का आसन, और ढेर सारी गंदगी वहां पड़ी हुई है। जब ऐसा अपमान अपने प्रभु का देखा तो सहन नहीं कर पाई, नहीं जब सहन कर पाई है उसी समय किस मुंह से जाऊंगी, प्रभु ने मना किया था लेकिन मैं नहीं मानी। आज उसी समय माँ सती को क्रोध आया, योगाग्नि जलाई और योगाग्नि में अपने शरीर को प्रवेश कर दिया। भोलेनाथ को जब ये बात मालूम पड़ती है, भोलेनाथ उसी समय सिर से जटा उखाड़ कर पत्थर पर दे मारते हैं, जिससे वीरभद्र उत्पन्न होता है और वीरभद्र को आदेश देते हैं, जाओ वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वही वीरभद्र जाता है सेना को लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, किसी देवता की दाढ़ी को नोच लिया, किसी की हड्डी को तोड़ दिया, सबको कष्ट पहुंचाने लगा है। और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग किया वीरभद्र ने, कपड़े की भांति निचोड़ कर अग्निकुंड में फेंक कर स्वाहा कर दिया। ऐसा वर्णन आता है, सब देवता घबरा गए, अब यजमान नहीं रहा, यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। सबने स्तुति भगवान की गाई है कि नमामि समूशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम निरंकार मूलम तुरीयम गिराव्यान गोदीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम। स्तुति गाई प्रभु की। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, याद रखना, भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न रहने वाले देवता केवल यही हैं और कोई नहीं। थोड़ी सी स्तुति गा लो और देखो, भोलेनाथ ने कहा जो किसी के लिए उपयोगी नहीं वो हमारे लिए उपयोगी। विष देखो, जहर देखो, धतूरा देखो, कौन खा के मरेगा, वो हमें लोग चढ़ाते हैं, उसको हम स्वीकार करते, इसीलिए तो इनको देवों के देव महादेव कहते हैं। जो किसी के लिए नहीं वो हमारे लिए। एक चोर था, एक दिन चला गया भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। उसने क्या देखा, भोलेनाथ के मंदिर में बहुत बड़ा घंटा टांगा हुआ था। मन में आया, ये यदि चोरी कर लेता हूं तो बहुत पैसे का बिकेगा ये घंटा। उसने क्या किया, गया, मन में आया कि रात को आऊंगा, रात को ले जाऊंगा चुरा करके इस घंटे को। अब रात में आया चोर चुराने के लिए घंटा, बार बार उछल उछल करके घंटा पकड़ना चाह रहा था, घंटा पकड़ में नहीं आया। उसने सोचा ये भोले बाबा किस दिन काम आएंगे, तो क्या किया, भोले बाबा के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके घंटा उतारने लगा। जैसे ही घंटा उतारने को तैयार हुआ तुरंत घंटा बजा, घंटा बजते ही तुरंत भोले बाबा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, बोले भैया वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो।
वरदान मांगो। प्रभु मैंने क्या चढ़ा दिया तुम्हारे लिए, मैंने क्या कर दिया? बोले भैया दानी बहुत देखे लेकिन तुझ जैसा दानी नहीं देखा। प्रभु मैंने क्या दान किया, मैं तो बल्कि तुम्हारे मंदिर के घंटे को चुराने आया हूँ। बोले भैया देख किसी ने सिर काट करके मेरे लिए चढ़ाए, किसी ने बुझाएं काट कर मेरे लिए मेरे ऊपर चढ़ाई, लेकिन तुझ जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो पूरा का पूरा ही मुझ पे चढ़ बैठा। बोलो राधे राधे, तू पूरा का पूरे मुझ पे चढ़ गया तो तेरे जैसा भक्त कहाँ और देखने को मिलेगा। मांग ले जो मांगना हो। बोले प्रभु ऐसा वरदान दो जीवन में कभी चोरी ना करूं और आपके नाम का प्रचार प्रसार करता रहूं। बोलो राधे राधे। अपार भक्ति का वरदान मेरे प्रभु ने इसको दिया है। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, सब देवताओं को सांत्वना दी। वीरभद्र को बुला करके बकरी का सिर कहा कि जिसका सिर मिले ला लेकर के आओ। बकरी का सिर ला करके वीरभद्र देता है। बकरे का सिर लेकर दक्ष प्रजापति के धड़ से भोलेनाथ जोड़ते हैं। जोड़कर ऐसा वर्णन आता है, बकरा करने लगा बम्बम, बम्बम किया तभी से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया बम भोले। बोलो राधे राधे। कावड़िया जब जाते हैं कावड़ लेने के लिए तो बम भोले ही गाते जाते हैं महाराज, और कुछ नहीं। ऐसी कृपा हुई। अगला जन्म माँ सती का ऐसा वर्णन आता है, हिमालय पर्वत की बेटी बन करके आई, पार्वती इनका नाम हुआ। भोलेनाथ को इन्होंने प्राप्त किया। स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र हैं उनमें एक हैं उत्तानुपाद। उत्तानुपाद कौन है? उत्तान कहते हैं ऊपर को पाद माने पैर, जिसके ऊपर को पैर हो उसी को उत्तानुपाद कहा गया है। हम सब उत्तानुपाद हैं। क्यों है? जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तो ऊपर को पैर नीचे को सिर होता है। इसी जीवात्मा को यानी हम सबको ही उत्तानुपाद कहा है। ये मत सोचना कि आप ये कहो कि महाराज जी हमारे कहाँ ऊपर को पैर, ऊपर को पैर थे हमारे, अब नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन पहले थे। माँ की गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं हम लोग। हम सबकी दो पत्नियां हैं, कौन कौन सी? सुमति और कुमति, जिनके नाम सुनीति और सुरुचि हैं। तुलसीदास बाबा तो रामचरितमानस में सुमति कुमति कहते हैं। हम सबकी पत्नी जो है उनका नाम सुमति कुमति सबके और रही नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके अंदर है, सुंदर नीति भी है और कुमति गलत नीति भी है, गलत बातें भी है। सुनीति कौन है, सुमति कौन है? जिसने अपनी संतानों को अच्छे गुण, जो अच्छे संस्कार, जो परिवार में खुशहाली बना करके रखे उसको सुमति कहते हैं। और कुमति वो है जो, कुमति कौन? परिवार में राग द्वेष वैर लड़ाई झगड़ा कराती रहे वो कुमति है। जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत निधाना। बंधु वर्णन किया है, राजा की दो पत्नियां थी उत्तानुपाद की, एक का नाम सुनीति एक का नाम सुरुचि। सुनीति से हुए थे ध्रुव जी महाराज। क्यों? क्योंकि सुनीति ने ऐसे गुण जो अपनी संतान को दिए थे। और सुरुचि से हुए थे उत्तम जी। राजा की दोनों पत्नियां दोनों ही पुत्र, लेकिन ध्रुव जी महाराज बहुत छोटी अवस्था में प्रभु को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि सौतेली माँ ने डांटा, सौतेली माँ ने कहा, बोले बेटा यदि पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो एक काम कर ले। बोले क्या? जा जंगल में जाकर भगवान का भजन कर, और जब तुझे भगवान मिल जाए तब भगवान से कहना प्रभु मुझे इस बार मुझे अपनी माँ सुनीति की कोख से नहीं बल्कि सुरुचि की कोख से जन्म मिले, और जब तू मेरी कोख से मेरी गर्भ से जन्म ले करके आएगा तब तू अपने पिता की गोदी में बैठ पाएगा। इतना जहर उस सुरुचि के अंदर भरा हुआ है। सुरुचि सोच रही है छोटा सा बालक जंगल में जाएगा बहका दूंगी, जंगल के जीव जंतु इसको खा जाएंगे और मेरे बेटे को इकलौता राज मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के ऐसे शब्दों को सुनकर जंगल की तरफ निकल पड़े। अब तो मैं प्रभु को प्राप्त करके ही घर वापस लौटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी मन में विश्वास लेकर के ध्रुव जी महाराज आगे जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे प्रभु को प्राप्त करना है। अगर आदर्श हो ऊंचा और दिल में हो साहस तो मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं। थककर ना हारना कभी, चलते रहना मुसाफिर तू। क्यों? क्योंकि ठोकरें ही इंसान को जीवन में चलना सिखाती हैं। हमारे
हमारा दृढ़ निश्चय, हमारी जितनी आस्था प्रबल होगी प्रभु के चरणों में, फेथ परफॉर्म्स मिरेकल्स, जितनी अच्छी आस्था दृढ़ होगी, जितनी आस्था होगी हमारी प्रभु के चरणों में, उतने ही चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। प्यारे गौर जंगल में चले गए नारद, जैसे सदगुरु की प्राप्ति ध्रुव जी महाराज को हुई, और नारद वो देव दर्शन है, जिसने नारद जी का दर्शन किया उसको परम पिता परमात्मा का दर्शन तो जरूर मिला उसको। मेरे प्यारे छोड़ दिया सब कुछ, नारद जैसे सदगुरु मिले हैं, द्वादशाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ है जीवन में, और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके ध्रुव जी महाराज कठोर तप करते हैं मथुरा में यमुना के किनारे मधुवन में जाकर के। त्रात्रांते त्रात्रांते कपितो बद्रासन, पहले तीन तीन दिन का नियम धारण किया है महीने में, फल खा करके रहे, फल खाने छोड़ दिए, फिर पत्ते खा करके जीवन यापन, पत्ते खा करके भजन किया, पत्ते खाने भी छोड़ दिए ध्रुव जी महाराज ने, फिर जल पी करके भजन किया, जल भी पीना छोड़ दिया, फिर चौथे महीने में मेरे प्यारे श्वास को वर्णन आता है, श्वास को ले लेकर के कुछ भी नहीं खाते न पीते। लेकिन पांचवें महीने में ध्रुव जी महाराज ने ऐसी कठोर साधना करी, श्वास को ही रोक लिया, जिससे पूरे संसार का श्वास, पूरी संसार की वायु कंठ सबके रुक गए, अवरुद्ध हो गए हैं, सब घबरा गए, सब दौड़े दौड़े प्रभु के पास, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारी रक्षा करो, हमारी श्वास रुक रही है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। तब भगवान ने बताया मेरा एक भक्त है कठोर साधना कर रहा है, अभी जाता हूँ। तब भगवान गए हैं और जाकर के ध्रुव जी के अंदर जो प्रभु की छवि बसी हुई है उस छवि को निकाल लिया है, निकाल करके भगवान सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव जी छटपटा कर आँखों को खोलते हैं तो देखा जिस परम पिता परमात्मा के लिए मैं भजन कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, वो परम पिता परमात्मा तो मेरी आँखों के सामने खड़ा हुआ है। बोले दीन बंधु भगवान गोविंद तो मेरे सामने है। ध्रुव जी आज सोचने लगे अब मैं क्या करूं, माँ ने मुझको संस्कार दिए भगवान का भजन करना चाहिए बचपन में, लेकिन जब भगवान मिल जाए तब क्या करना चाहिए, ये तो मैंने अपनी माँ से आज तक पूछा ही नहीं, क्या करूं, माँ से क्या मांगूं, क्या कहूं, क्या नहीं कहूं, क्या प्रभु से कहना है, कुछ पूछा ही नहीं अपनी माँ से। लेकिन आज भगवान ध्रुव जी के भाव को समझ गए, अपना वेदों में शंख लगाया है ध्रुव जी के कपोलों से, तुरंत ध्रुव जी के हृदय में सरस्वती का जागृत हो गया है और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति गाने लगे हैं कि योंतः प्रवश्य मम वाच मां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधर स्वधामनः अन्याशि हस्त चरणः श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। सुंदर स्तुति गाई ध्रुव जी महाराज ने, भगवान ने अपनी स्वेच्छा से ध्रुव जी महाराज को 36,000 वर्ष का राज्य सौंपा। प्रभु मैं ये नहीं चाहता था लेकिन अब आपने दिया है तो उसको मैं जरूर भोगूंगा। आज अपार भक्ति का भी वरदान उन्होंने मांगा, अंत में एक लोक और दिया ध्रुव जी को जो ध्रुवलोक के नाम से ध्रुव तारे के रूप में आज भी दिखाई देता है हम लोगों को। 36,000 वर्ष तक का राज ध्रुव जी महाराज भोगते हैं, जब जाते हैं भगवान के धाम को, भगवान के पार्षदों के विमान में बैठ करके जा रहे थे, ध्रुव जी दुखी थे, बोले क्यों हो दुखी, बोले जिस माँ की वजह से मैं आज भगवान के धाम जा रहा हूँ उस माँ के बगैर मैं कैसे प्रभु के धाम को चला जाऊँ, माँ की कृपा ही तो है मेरी, यदि मेरी माँ ना होती, मेरी माँ मुझको जन्म ना देती तो क्या मैं आज भगवान के धाम को जा पाता। तब भगवान के पार्षदों ने कहा अरे ध्रुव जी जिस परिवार में आप जैसा भक्त हो उस कुल की मेरे ठाकुर जी सात सात पीढ़ियों को तार देते हैं, और जिस माँ ने तुम जैसे भक्त को जन्म दिया हो क्या वो माँ पृथ्वी पर रहने लायक होगी, नहीं, देखिए आपके विमान से पहले एक विमान और जा रहा है उसमें आपकी माँ पहले ही बैठ करके प्रभु के परम धाम को पधार गई है। और भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा कुल भी धन्य है, ऐसी माँ भी धन्य है, ऐसी जननी भी धन्य है, तभी तो कहा जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे।